अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉट में 1.5 कप ऑयल गरम कर लेंगे। अब इसमें 250 ग्राम यानी 1/4 किलो पनीर डालेंगे। पनीर को मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखकर हम इसे फ्राई करेंगे। पनीर को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। इस साइड ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब दूसरी साइड भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। पनीर को टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड भी हल्का ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये दूसरी साइड भी फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम 250 ग्राम गाजर लेंगे। इसको मैंने लंबे पीस में कट कर लिया है। तो गैस की फ्लेम फास्ट रखकर हम इसे नरम होने तक फ्राई करेंगे। वेजिटेबल को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस ये थोड़े से नरम हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। गाजरों को इसी तरह उलट पुलट करके इस फ्राई करेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। अब 250 ग्राम फूल गोभी लेंगे। इसके भी मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं, बस इसे भी फास्ट फ्लेम पर हम थोड़े टाइम के लिए फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स को ऐसे हिलाते हुए ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि सब जगह से फ्राई हो जाए। तो ये भी हल्के सुनहरे से हो गए हैं, तो इसे निकाल लेंगे। अब 250 ग्राम फरज बीन लेंगे। इसे भी मैंने लंबे पीस में कट कर लिया है। फरज बीन को भी थोड़ा नरम होने तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे हिलाएंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, और जैसे ये नरम हो जाए तो इसे भी निकाल लेंगे। अब 250 ग्राम शिमला मिर्च लिया है। इसे भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो इसे तो बस 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम हम फास्ट ही रखेंगे। अब इसे भी निकाल लेंगे। तो इन सारे वेजिटेबल्स को मैंने फ्राई कर लिया है, बस मैं आलू फ्राई करना भूल गई हूँ। तो आलू को भी 250 ग्राम लेकर स्क्वायर शेप में कट करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। और 1/4 किलो मैंने मटर लिए हैं। मटर मेरे फ्रोज़न हैं, अगर आपके फ्रेश हो तो आप इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल लेंगे। अब उसी तेल में कुछ गरम मसाले डालेंगे, जैसे 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून शाहजीरा, 2 लौंग, 5 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालकर इसे फास्ट फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। अब 4 मीडियम साइज की प्याज कट करके डालेंगे। गैस की फ्लेम हम फास्ट ही रखकर इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर इसे भुनेंगे। अब गैस की फ्लेम स्लो रखकर इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 3 बड़े टमाटर कट करके डालेंगे। अब गैस की फ्लेम फास्ट रखकर टमाटर को नरम होने तक भुनेंगे। तो टमाटर भी नरम हो चुके हैं और तेल भी अच्छी तरह से छूट चुका है। हमने जो वेजिटेबल फ्राई किए थे, ये देखिए मैंने आलू भी फ्राई किया है, तो इन सबको हम डालेंगे। बस पनीर को हम निकाल लेंगे। पनीर को हमें बाद में डालना है। अब इसमें 250 ग्राम दही डालेंगे। दही को हम अच्छी तरह से फेंट कर डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर हम इन सबको अच्छी तरह से भुनेंगे।
जब तक मसालों में से तेल ना छूट जाए हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। याद रखिए कि वेजिटेबल टूट ना जाए, इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम भुनेंगे। और यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे, अगर कम हो तो डाल देंगे। तो ये देखिए बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख लेंगे। तो अब राइस की तैयारी करते हैं। तो एक पॉट में मैंने पानी को गर्म करने रख दिया है। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, तो हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून शाहजीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 15 काली मिर्च डालकर 3 मिनट तक पानी में बॉईल होने देंगे। अब इसमें चावल डालेंगे। मैंने 1 किलो बासमती चावल लिया है। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगने रख दिया था, तो इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 4 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल आने देंगे। गैस की फ्लेम हम फास्ट ही रखेंगे। चावल को बॉईल आ रहा है, हमें इसे 75% तक पकाना है, यानी चावल थोड़े कच्चे रहने चाहिए। अब इसे बड़ी छन्नी में छान लेंगे। मैंने बड़े पॉट में मसाला रेडी किया था, तो उसी पॉट में मैं थोड़े से चावल डाल दूंगी। चावल हमें बस थोड़े से डालना है ताकि मसाला नीचे ना लगे, और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इस पर आधा बिरयानी का मसाला डालेंगे। मसालों को भी चावल पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब थोड़े से कोथमीर और पुदीना कट करके डालेंगे। इन्हें डालने से मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हमने जो चावल रखे थे उसका पूरे आधे चावल इस पर बिछा देंगे। बिरयानी के चावलों को प्लेट से ही डालिए, तो ये टूटेंगे भी नहीं और खिले खिले बनेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ मसाला है वो इस पर फैला देंगे। अब हरा धनिया और पुदीना के पत्ते डालेंगे। अब हमने जो पनीर फ्राई किया था उसे रखेंगे। मैंने पनीर को पानी में 1/2 टीस्पून नमक मिलाकर 5 मिनट के लिए भिगो दिया था, जिससे ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और फीके भी नहीं लगेंगे। अब बाकी बचे हुए चावल इस पर डाल देंगे। अब इस पर ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर को थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। अब इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर 2 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड करके डालेंगे। 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। मेरा केवड़ा वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा ही डालिए। 3 से 4 टेबल स्पून असली घी डालेंगे। थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। अब थोड़े से हरा धनिया और पुदीना कट करके डालेंगे। हमने बिरयानी को 2 लेयर में बना लिया है। अब इसे ढक्कन ढककर 20 से 25 मिनट कर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम होने के लिए रख देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं बिरयानी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बिरयानी बनी है। यकीन मानिए बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।